नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेम मंदिर के इतिहास के बारे में। वृंदावन स्थित इस भव्य मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया था। कृपालु जी महाराज ने इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को किया था और यह 17 फरवरी 2012 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। चलिए मैं आपको प्रेम मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। मथुरा स्थित यह भव्य मंदिर लगभग 54 एकड़ में स्थित है और इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट और चौड़ाई 115 फुट है। इस मंदिर के निर्माण में इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सफेद संगमरमर की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। इस मंदिर को बनाने में 11 वर्ष का समय लगा था और इसकी कुल निर्माण लागत करीब 100 करोड़ रुपए है। इस भव्य मंदिर को राजस्थान और उत्तर प्रदेश के करीब 1000 शिल्पकारों ने मिलकर तैयार किया था। मंदिर के निचले तल पर राधा कृष्ण मंदिर है तो प्रथम मंजिला पर सीता राम का मंदिर बना हुआ है। इसके मुख्य प्रवेश द्वारों पर 8 मोरों के नक्काशीदार तोरण है तथा मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं को उकेरा गया है। इसके गर्भगृह की दीवार की मोटाई 8 फीट है, जिस पर एक विशाल शिखर, एक स्वर्ण कलश और एक ध्वज रखा गया है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ है, जिन्हें राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाया गया है। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। मंदिर के गर्भगृह के बाह्य और आंतरिक भाग में प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की श्रेष्ठ पच्चीकारी और नक्काशी की गई है तथा संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। मंदिर के भवन में गोवर्धन पर्वत की एक झांकी भी बनी हुई है, जो बिल्कुल सजीव प्रतीत होती है। मंदिर में फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच से सजाई गई है। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 5:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक है। मंदिर में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति है और सभी लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। प्रेम मंदिर की सुंदरता रात्रि को देखते ही बनती है। रात के समय पूरा मंदिर परिसर लाइटिंग से जगमगा उठता है। वहीं हर रोज शाम को करीब आधे घंटे के एक फाउंटेन शो का भी आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह की सभी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।